रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हेल्थ टीवी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अगर आपने मेरे चैनल हेल्थ टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल हेल्थ टीवी को अभी सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। व्यूअर्स की पुरजोर फरमाइश के ऊपर आज हेल्थ टीवी आपके लिए मलाई लड्डू की तरकीब लाया है। हम इसके अज्जा भी बताएँगे, आपको तरकीब भी बताएँगे कि मलाई लड्डू कैसे बनता है। इंतहाई टेस्टी डिश है। आगे ईद उल फितर भी आ रही है, आप मेहमानों को भी पेश कर सकते हैं। व्यूअर्स, मलाई लड्डू की जो शक्ल होती है ये गोल होती है और ये इंतहाई नरम और खस्ता होता है। तो अब सबसे पहले मैं आपको इसके अज्जा बताऊंगा। गौर से सुने, पेन और कापी ले लें और इनको लिख लें, और ये अज्जा जो है ये आपको सामने स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है कॉटेज चीज़ एक प्याली, कंडेंस्ड मिल्क आधी प्याली, केवड़ा 2 से 3 कतरे, सब्ज़ इलायची 2 अदद, चांदी के वर्क 2 अदद। व्यूअर्स, आपने उम्मीद अज्जा सुन लिए होंगे और ये अज्जा आपको सामने स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहे हैं। आप इनका जो है वो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। अब मैं आपको इसकी तरकीब बताऊँगा कि ये मलाई लड्डू जो है ये आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले व्यूअर्स, आप गहरे प्याले में कॉटेज चीज डालकर इसको मैश कर लें। कंडेंस्ड मिल्क मिलाकर नॉन स्टिक फ्राइंग पैन में पकाएं, मुसलसल चम्मच चलाते रहें, यानी चम्मच आपका हिलाना बंद ना हो। नंबर 2 यह है कि पैन के किनारों से मिक्सचर अलहदा होने लगे तो केवड़ा डालकर मिला लें और प्लेट में निकाल लें। मिक्सचर ठंडा हो जाए तो दरमियाने साइज की बॉल्स बना लें, यानी गोल्स जो है वो लड्डुओं वाली शक्ल में इनको बना लें। सब्ज इलायची के दाने छिड़क कर चांदी के वर्क लगा दें तो केवड़ा डालकर मिला लें और प्लेट में निकाल लें। तो इसकी प्रेजेंटेशन तो मैं आपको यही कहूँगा कि ईद उल फितर के ऊपर आपको जो मेहमान आएंगे, आपके रिश्तेदार आएंगे, बच्चे, उनको जो है आप टी के साथ मलाई लड्डू जो है वो पेश करें तो वो याद रखेंगे कि आपने उन्हें कोई खाने की चीज़ उनके सामने रखी है। व्यूअर्स, उम्मीद है हेल्थ टीवी की ये जो रेसिपी है आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।